क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू सेल करते हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में डाउट ज़रूर आता होगा कि अपने प्रोडक्ट्स को बायर तक कैसे पहुंचाया जाए। एंड स्पेशली मैं उन पेजेस को देखता हूँ जो नो कैश ऑन डिलीवरी लिखते हैं। उनके उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे पाते, उनको पता नहीं है कि ऐसा सिस्टम कैसे वर्क करता है। एंड उस वजह से उनको काफ़ी सारा लॉस हो जाता है ऑर्डर्स का, क्योंकि कई बायर्स होते हैं जो कि आपको प्रीपेड पेमेंट देने से डरते हैं। तो बेसिकली मैं इस चीज़ का पूरा सॉल्यूशन लाने वाला हूँ, डिलीवरी से लेकर सारा सीओडी सब कुछ जो मैनेज हो जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इसमें ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ जिसके बाद आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके पास दो रास्ते हैं बेसिकली। पहले ये कि आप किसी कोरियर कंपनी के साथ जाएँ, जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम डिलीवरी, तो डिलीवरी के साथ आप जाते हैं एंड उनके साथ आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आपका ऐसे इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा उस कंपनी के साथ डायरेक्टली, आपकी एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आपका एक इंटीग्रेशन होता है बेसिकली। तो ऐसे में काम आते हैं हमारे दूसरी तरफ जो है वो है कोरियर एग्रीगेटर्स। तो कोरियर एग्रीगेटर्स क्या होते हैं कि जो कोरियर एग्रीगेटर वाली कंपनी होती है वो काफ़ी सारे जैसे कि डिलीवरी, ई कार्ट और फेडेक्स, इन सारी कंपनी से टाई अप करके रखती है, इंटीग्रेट होकर रखती है एंड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी कंपनी के थ्रू सेल कर सकते हैं, भले ही आप दिन में सिर्फ एक ऑर्डर क्यों ना निकालते हो, एक ऑर्डर क्यों ना सेल करते हो। तो इसलिए कोरियर एग्रीगेटर वहाँ काम आते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा कोरियर एग्रीगेटर इंडिया में बेस्ट रहेगा, जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को आपके बायर्स तक पहुँचा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आई थिंक लॉजिस्टिक्स को। आई थिंक लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी दे सकते हो या फिर ऑनलाइन प्रीपेड पेमेंट पे भी। बेसिकली आपके होम से पिक हो जाएगा, आपके घर से पिक हो जाएगा या आपकी शॉप से पिक हो जाएंगे प्रोडक्ट्स एंड आप अपने बायर तक स्ट्रेट अवे पहुँचा सकते हो प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो में हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे एंड इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर है एनडीआर का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब आप आई थिंक लॉजिस्टिक्स डॉट कॉम खोलेंगे तो यह प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आई थिंक लॉजिस्टिक्स को, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो जैसे ही ये प्लेटफॉर्म खोलेंगे आपको ये वाला पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको बोलेगा रजिस्टर नाउ। आपको एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार इस मेन पेज पे क्या क्या है। तो इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बेनिफिट है इनको चूज़ करने का, जैसे कि 5000 प्लस इनके पास कस्टमर्स है, 25000 प्लस डेली शिपमेंट्स, 26000 प्लस पिन कोड्स पे ये सर्व करते हैं, टोटल 180 कंट्रीज़ को कवर करते हैं ये। तो बेसिकली आप इस मैप से आराम से समझ जाएंगे कि ये कोरियर एग्रीगेटर कैसे क्या कैसे काम करते हैं बेसिकली। तो अगर आप अमेज़ॉन, ईबे या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट है, वो कॉमर्स, शॉपिफाई, मैजेंटो या किसी पे भी है, एंड अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे मैंने आपको पहले बताया जिसमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं आती, आप डायरेक्ट ऑर्डर को ऐड करके आप बायर का डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से ऑर्डर लेती हैं एंड यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाती हैं एंड उसके बाद ये सारी कंपनीज, कई सारी इनके पास कैरियर पार्टनर्स हैं जो कि बेसिकली कोरियर पार्टनर्स हैं जो डिलीवरी को फुलफ़िल करते हैं, आपके बायर तक पहुंचाते हैं सेफली एंड अगर कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट है तो उसको वापस आपका कैश आपके पास पहुंचाते हैं ये वेबसाइट टोटली। तो ये सारा एक सिस्टम पूरा वर्क करता है फंक्शन। एंड अगर आपके पास ये सारे वेबसाइट्स हैं या फिर मतलब बेसिकली आपने वो कॉमर्स या शॉपिफाई या अमेज़ॉन इन सब पे आप सेल करते हैं तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी ऑर्डर इन प्लेटफॉर्म पे आता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए, मतलब वो हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, आपके एड्रेस, नेम और सारे फ़ोन नंबर, सब बायर की डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, सेलिंग डिटेल सब आ जाएंगी यहाँ पर फटाफट और ये बिल्कुल 100% सेफ़ है। एंड इसी तरीके से इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीचे और आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है कई सारे आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, ये सब आई थिंक लॉजिस्टिक्स को ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ये दिखाने से मेरा मतलब ये है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो आई थिंक लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैं मेजरली चार बेनिफिट्स कवर करना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहला है कि ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीम बैठी है इस पूरे प्लेटफॉर्म के पीछे, जो कि आपकी सर्विस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सेकंड, आपको आई थिंक लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ने के लिए आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या मंथली या एनुअल फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 100 रुपये का भी रिचार्ज करेंगे तो भी आप एलिजिबल हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन शिप कर सकते हैं, अपना डिली बेसिकली अपने बायर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। एंड थर्ड इसका बेनिफिट है एनडीआर।
एनडीआर मतलब नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, तो इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो एनडीआर आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। एनडीआर के बारे में अभी डिटेल में हम समझेंगे। बेसिकली एक इस प्लेटफॉर्म के साथ मेन फीचर ये है कि ये 6 स्टेप एक्शन प्लान लेते हैं जिस वजह से वो एनडीआर आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको भी हम वीडियो के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीआर को। तो इसका जो फोर्थ बेनिफिट है वो है रिकमेंडेशन इंजन। तो मुझे ये रिकमेंडेशन इंजन काफ़ी अच्छा फीचर लगता है इनका, क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही आप डिटेल्स फिल इन कर देंगे सारी, तो आपको यहाँ पर साइड में एक रिकमेंडेशन इंजन दिखेगा जो कि आपको बताएगा कि मैप के थ्रू यहाँ पर कि आपको कौन सी लोकेशन से कहाँ तक जाना है। एंड आपको 3 फिल्टर के अकॉर्डिंग दिखाएगा आपको, जैसे कि अगर आपको फास्ट शिपिंग करनी है तो ये रेकमेंड करके दिखाएगा कि बेस्ट मैच आपको ये वाला दिख रहा है एंड इसके इतने रेट लगेंगे। एंड ऐसे ही सबसे लोएस्ट रेटेड यहाँ पर नीचे दिखाएगा। एंड जब आप जाएंगे इसके बाद चीपेस्ट में, तो चीपेस्ट में भी आपको सबसे चीपेस्ट जो होगा और सबसे कॉस्टलीस्ट जो नीचे होगा, तो ऐसे आप फिल्टर कर सकते हैं। तीसरा हो गया बेस्ट रेटेड, जो इन सब में बेस्ट रेटेड है जिसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो आपका सबसे ऊपर दिखाएगा। एंड टोटल भी साइड में अमाउंट दिखाएगा एंड आप फाइनली आप पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे इसका। तो हम सीधा सबसे ऊपर चलते हैं एंड अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो जब आप रजिस्टर वाले पेज पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। एंड यहाँ पर इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलेगा, आपको रिटर्न्स के लिए रिटर्न रिड्यूस करने के लिए आपको पूरी टीम मिलेगी एनडीआर की। डेली कैश ऑन डिलीवरी का जो आपको अमाउंट होता है वो डेली आपके अकाउंट में आएगा, जितना भी आपका होगा जिस डे के हिसाब से। एंड फुल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है आपकी शिपमेंट्स पे एंड ब्रांडेड ट्रैकिंग पेज भी मिलता है आपको आपके बायर्स को, ताकि उनको ईजिली आप एज अ ब्रांड अपने आप को शो करके आप उनको ट्रैकिंग पेज दिखा पाएँ। तो आपको बेसिकली अपनी कोई वेबसाइट खोलने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपकी नहीं है तो वेबसाइट। एंड ये सारे इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं कई सारे, उनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनका फ्री अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते कभी भी। तो आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, आपको वेबसाइट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो ये ब्लैंक, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एंड आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के इस पर टिक करके एग्री पे आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर देना है। चलिए सबसे पहले मैं फ्री अकाउंट क्रिएट करता हूँ अपना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का डैशबोर्ड। तो फाइनली जब आप क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन अप होके आएगा। एंड आपको यहाँ पर ये वेलकम करेगा एंड यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपको मिनिमम एक KYC करवाना ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से मैंडेटरी, आपको पता ही होगा कंपलसरी है करवाना। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, eKYC होगा आपका। एंड इसके बाद आप अपना डैशबोर्ड जो है मेन वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप टेक मी देयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप सिंपल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आप कंपनी है या इंडिविजुअल है, आपका नेम पूछेगा एंड GST नंबर अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। इन केस आपके पास है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप GST नंबर डालें। एंड देन जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं वो हमारे को बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सिंपली। तो पहला है आपको पैन कार्ड, तो यहाँ पर पैन नंबर एंड नेम डालेंगे जो पैन कार्ड के ऊपर है आपका, एंड कुछ इस तरीके का सैंपल है आपको ये अपलोड करना है यहाँ पर। एंड दूसरा आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास चॉइस है 5ों में से, आप कोई भी 5 डॉक्यूमेंट में से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे कि सपोज हमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया एंड ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाला, नेम डाला जो आपका है मेंशन उस पर, एंड कुछ इस तरीके का ये सैंपल है ड्राइविंग लाइसेंस का, आपको आगे और पीछे की फ्रंट एंड बैक की फ़ोटो अपलोड करनी है। एंड तीसरा हो गया हमारा बैंक वेरिफिकेशन, जो कि डॉक्यूमेंट हो गया हमारा या तो कैंसिल चेक या पासबुक या ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट 1 मंथ की भी चलेगी, लेटेस्ट कोई भी मिल जाए। एंड पासबुक जो है वो भी आपको फ्रंट पेज डालना है एंड कैंसिल चेक। तो ये जब आप अपलोड करेंगे तो आप मतलब सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कैंसिल चेक, तो आपको बताना है कि सेविंग है या करेंट है, फिर अकाउंट नंबर होल्डर का नेम, आपका नंबर अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो इसको बताने के बाद आपको सिंपली कैंसिल चेक की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो कि कुछ इस तरीके का आपको कैंसिल करना होगा, जिसमें आपकी डिटेल सारी बेसिकली लिखी होंगी बैंक की, तो वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बैंक अकाउंट का डॉक्यूमेंट डालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके जो भी कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट्स होंगी वो आपके इस डॉक्यूमेंट मतलब बेसिकली इस बैंक के अंदर अकाउंट में डिपॉजिट होंगी वो अमाउंट, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है। एंड फिर उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आप मेन डैशबोर्ड की तरफ पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप करके अपना सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। तो जल्दी से हम अपने इस डैशबोर्ड को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं एंड समझते हैं कि क्या है इस डैशबोर्ड का मतलब बेसिकली। एंड डैशबोर्ड पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर मेन्यू में ऑप्शंस मिल जाएंगे लेफ्ट में, जो कि आप बेसिकली ये ऊपर शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, और ऑर्डर बिलिंग एंड NDR इन सबसे रिलेटेड आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है। एंड मेन्यू यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड पर भी दिख जाता है,
ऊपर आपको, अगर आपने कोई इंटीग्रेशन किया है शॉपिफाई या वू कॉमर्स या मैजेंटो, ओपन कार्ट, किसी से भी, तो आपको यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन के ऑर्डर, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऊपर माई आई थिंक करके है, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स, प्रिंट, NDR, बिलिंग एंड इन सबसे रिलेटेड, पिन कोड, सर्विसेबिलिटी, इन सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे मेन्यू के, एंड रिपोर्ट अगर आपको निकालनी है तो रिपोर्ट्स भी आपको इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपना वॉलेट का अमाउंट देख सकते हैं, आपने कितना रिचार्ज किया हुआ, कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाएंगी। अर्ली COD, अर्ली कैश ऑन डिलीवरी, आपको कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही आपको कैसे अमाउंट आ जाए आपके अकाउंट में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड यहाँ पर आपको बेसिकली अकाउंट सेटिंग्स या वॉलेट का ऑप्शन दिख जाता है आराम से। एंड ये कुछ मेन जो फ्रंट ऐसा डैशबोर्ड का है वो ये है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट में दिखा देता है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपके टुडे, आज के ऑर्डर्स, पिकअप, इन ट्रांजिट या ऑनलाइन, लाइक आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, अन डिलीवर, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग, डेट रेंज जो अभी आप सेलेक्ट करेंगे, एंड कितने ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं, COD, कैश ऑन डिलीवरी का कितना अमाउंट आपके बैंक में आने वाला है, ये सारी चीज़ें कब आने वाला है, ये सारी चीज़ें, एंड NDR रिपोर्ट, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे शॉर्ट में। कोई आपकी तरफ से पेंडिंग एक्शन है, आउट फॉर डिलीवरी है, तो वो सारी चीज़ें, डेली शिपमेंट काउंट कितने हैं, एंड कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं आपके सर्विसेज से, वो आपको दिख जाएगा। एंड कौन कौन से कोरियर पार्टनर्स आपने यूज़ किए आज या इन भी, मतलब जब आप शिपमेंट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल बता देगा उस डेट रेंज के हिसाब से। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, एंड सिमिलरली इस तरफ भी आपको राइट साइड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो कि आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दिया करेंगे। एंड किसी भी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए, कोई रिपोर्ट देखनी है, डिटेल में किसी चीज़ को करना है, तो आप यहाँ से, ऊपर से या फिर इधर से आप डिटेल में जा सकते हैं एंड देख सकते हैं अपने ऑर्डर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें। तो अब मैं बात करना चाहूँगा RTO के बारे में, जो कि होता है रिटर्न टू ओरिजिन। तो होता है इसमें ये है कि जो आपके बायर्स है वो प्रोडक्ट्स तो मंगवा लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, बट कई सारे प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न आ जाते हैं आपके पास वापस, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, उससे पहले ही आपके पास वापस आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रीजंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, एंड इसका क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास, जब आपका कस्टमर, जो आपका बायर है, वो आपसे प्रोडक्ट मंगवाता है, तो NDR बेसिकली हो जाता है अगर वो डिलीवर्ड नहीं होता है वो प्रोडक्ट जिस दिन वो आउट फॉर डिलीवरी होता है। NDR के पीछे रीजंस का कई सारे हैं, जिसमें से दो मेजर रीजंस है कि या तो आपका जो कस्टमर है उसने गलत एड्रेस दिया हुआ है, इस वजह से डिलीवरी पार्टनर है वो पहुंच नहीं पा रहा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो घर पे अवेलेबल नहीं है, या ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आपका डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में आई थिंक लॉजिस्टिक्स का क्या रोल है, वो सबसे मेजर रोल इसका यही है कि इनका एक 6 स्टेप एक्शन प्लान है, 24 घंटे में एक्शन लेते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कैसे भी करके डिलीवर हो जाए कस्टमर के पास। अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करते हैं कि ये जो आपके प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाए। तो इन 6 स्टेप प्लान को हम समझते हैं डिटेल में। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई प्रोडक्ट आपका आउट फॉर डिलीवरी हुआ एंड बायर तक वो नहीं पहुंचा, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑर्डर या फिर कस्टमर घर पे नहीं था या कुछ भी बायर, तो आपको बेसिकली ये टीम क्या करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले 24 घंटे में ये एक्शन कर लेते हैं, 6 एक्शन लेते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका एक IVR, एक ऑटोमेटेड कॉल जाएगी, एंड इसके बाद अगर वो फ़ोन नहीं उठाता बायर तो दूसरा एक ऑटोमेटेड कॉल जाएगी 1 घंटे के बाद, एंड फिर भी नहीं उठाता तो एक तीसरी कॉल जाएगी 1 घंटे के बाद, वो भी ऑटोमेटेड होगी। एंड अगर ये तीनों एक्शन नहीं होते हैं तो फिर इसके बाद चौथा जो एक्शन लिया जाता है वो होता है व्हाट्सएप मैसेज। तो बेसिकली व्हाट्सएप मैसेज आई थिंक लॉजिस्टिक अपनी तरफ से व्हाट्सएप मैसेज करता है कस्टमर को, एंड अगर आप कस्टमर फिर भी रिप्लाई नहीं देता तो 4 घंटे बाद एक SMS जाता है आई थिंक लॉजिस्टिक्स के की टीम्स के तरफ से कस्टमर को, एंड फिर भी नहीं होता तो एक आई थिंक लॉजिस्टिक्स क्या करता है अपनी तरफ से एक मैनुअल कॉल करता है एज योर ब्रांड, कि आप वो कस्टमर से बात करने की कोशिश करते हैं मैनुअली कॉल करके, कि रीज़न समझते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा, अगर नहीं हो पा रहा तो हम दोबारा अटेम्प्ट करें या फिर आपको नहीं चाहिए प्रोडक्ट। तो बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो एक ही 6 स्टेप एक्शन प्लान है, जो इस वेबसाइट का मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। इसकी वजह से मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मेरी रिटर्न्स है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, काफ़ी हद तक। अब हम बात करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। तो कैश ऑन डिलीवरी पे होता ये है कि कहीं, जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी का, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं तो प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है तब वो कस्टमर कैश देता है
आपके कोरियर पार्टनर को, एंड कोरियर पार्टनर से आप कितने दिन में लेना चाहते हैं। बेसिकली कुछ टाइम लगता है जब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आने को, बट अगर आपको चाहिए कि आप डिलीवरी होने के बाद 3 दिन बाद आपको पैसा चाहिए, तो आप यहाँ पर बेसिकली ये प्लान्स दिए हुए हैं इनका अर्ली COD, अर्ली कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर आपको डिलीवरी प्लस 3 डेज में चाहिए तो आपका इतना ट्रांजेक्शन कटेगा, 0.50% देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये सारे फीचर्स हैं। आप सबसे मतलब फास्ट, आप अगर आपको अपनी कैश फ्लो अपना साइकिल घुमानी है तो सबसे फास्ट आप चूज़ कर सकते हो ये वाला डिलीवर्ड प्लस 1 डे। तो बेसिकली जिस दिन प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड होगा, कैश मिलेगा कुरियर कंपनी को, उसके नेक्स्ट डे ही आपको पेमेंट आ जाएगा, एंड 1% सिंपली चार्ज होगा कस्टमर ट्रांजेक्शन चार्ज। बट आपको बहुत ही ईजिली आपको ये कैश ऑन डिलीवरी का रेमिटेंस मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि कई सारे बिजनेसेस होते हैं जो पैसा अपना नहीं अटकाना चाहते हैं आप इस प्रोसेस में कि काफ़ी दिन बाद पेमेंट आ रही है, तो उनको अपना जल्दी से कैश फ्लो अपनी साइकिल घुमानी है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस प्लेटफॉर्म का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर वॉलेट की, तो मैं आपको वॉलेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी इस समय बैलेंस है 58 रुपीज़। एंड यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यह है इस प्लेटफॉर्म की कि अगर आप एक नए सेलर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई मंथली, एनुअल या कोई चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब बेसिकली इन प्लेटफॉर्म को ऐसा कोई चार्जेस नहीं देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आप सिंपली 100 रुपीज़ का एक अमाउंट मिनिमम आप रिचार्ज कर सकते हैं इस वॉलेट को, एंड जैसे ही आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे ये, आप यहाँ पर वॉलेट में आपका 100 रुपीज़ शो करने लग जाएगा जितने का भी रिचार्ज करेंगे। एंड जितने भी आप कोरियर, लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया, शिपमेंट प्लेस करते हैं अपनी, तो जैसे मान लो 50 रुपीज़ लग रहा है किसी कोरियर का, तो आपके जो कोरियर शिपिंग चार्जेस है वो 100 रुपीज़ में से 50 डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको उस टाइम पे एकदम से कोई कैश निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेट में बेसिकली रिचार्ज कर रख लो, एंड आपका जो जी शिपमेंट जो भी होगी वो सीधा के सीधा आपका अमाउंट वहीं से डिडक्ट हो जाएगा, एंड ये 100% सेफ़ है। आप अपनी ट्रांजेक्शन को जैसे कि बैंक की पासबुक होती है, बिल्कुल वैसे ही आप ट्रैक भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। एकदम बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही सेफ़ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, एंड आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ लेना चाहते हैं रेगुलरली। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।